यहाँ पे जो है हमारे साथ हो चुके हैं आगरा से, यहाँ पे बसपा तगड़े तरह से मजबूत दिखती है और मुख्य चक्कर उनका नाम जो है विक्रम सिंह है। आइए जानते हैं उनका क्या विचार है बसपा को लेकर। तो अगर भाई से कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मायावती जी अपने मिशन से भटक चुके हैं। जो मिशन का मिशन था वो ज्ञानी है, उन्हें नॉलेज नहीं है, ऐसा कहते हैं एजेंट है वो कहते हैं। हाल ही में जो है किसान आंदोलन कुचल दिया किसानों को, आपके क्या उसे भरपाई देनी पड़ेगी। लेकिन आरोपी अभी तक सरकार दोनों का से दूर से है, पूरे प्रदेश में आकर मचा हुआ दोनों को हर दिन मुख्यमंत्री बनेगी। ये सब जितने सभी जिलों के अंदर होंगे। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी फोन करो 2022 में क्या रणनीति लेकर आप क्या चाहते हैं? सरकार बनती है उसमें सबसे गरीब दुखी सभी जाति धर्म के लोग उनको सुरक्षा देने का काम किया जाएगा, युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा, विकास की गंगा बहाई जाएगी। जो आपने देखा आज तक किसी ने भी इतना विकास का नहीं दिखाया, पिछली सरकार वालों को दिखाया था। मुद्दा यही रहेगा, विकास का रहेगा, रोजगार का रहेगा, सुरक्षा का। बात की जाए तो सड़क पे जो है गड्ढा युक्त की बात करती है योगी सरकार। अभी हम आए हैं, जब एक्सप्रेस वे से नीचे उतरे थे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, ये नहीं पता चल रहा था कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढे। तो हमने देखा है, सबने देखा है, ये सब है जुमलेबाजी है। सबसे झूठी सरकार है, योगी को दोनों झूठते हैं और हम बर्खास्त करते प्रदेश की जनता उनको जवाब देने का काम करेगी, मोदी को मुख्यमंत्री बनाएगी। योगी आदित्यनाथ जो है कट्टरता से हिंदुत्व की बात करते हैं। इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, क्या लगा रहे हैं आप? गलत है, ये हिंदुत्व की लड़ाई करने के लिए सत्ता उनके पास में, हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं। इससे पहले क्या यहाँ मुसलमान नहीं रहता था, इससे पहले के साथ साथ हिंदू नहीं रहता था, ये सब गलत है। सब मिलकर के रहते हैं, बहुत अच्छा भाईचारा हमारे प्रदेश में, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने मुद्दा बना रखा है। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ सुना कि हिंदुत्व की कोई बात नहीं, इस देश में सभी धर्मों का आगरा में बसपा का जनार्दन बहुत मजबूत है। आगरा में 2022 विधायक बनने वाले हैं और
मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया है।